बिग बी संग 10 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान का ऐसा मानना है कि अब बिग बी को रिटायर हो जाना चाहिए और अपने आप को थोड़ी राहत देनी चाहिए। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सलीम ने कहा, बच्चन जी को जो कुछ भी अचीव करना था वो उन्होंने कर लिया है, मगर अब उन्हें कुछ समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए और जो उनकी इच्छा है वो करना चाहिए। माना कि वो एक शानदार एक्टर है, मगर अब उन्हें अपने आप को इस प्रोफेशनलिज्म की रेस से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रिटायरमेंट का सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है और ये इसीलिए रखा गया है ताकि एक आदमी एक वक्त के बाद खुद को भी थोड़ा समय दे दे। इंसान का शुरुआती जीवन पढ़ाई में चला जाता है, इसके बाद उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अमिताभ बच्चन एक हीरो है और वो आज भी एक एंग्री यंग मैन है, मगर आज अमिताभ बच्चन के जैसे एक्टर के लिए कोई कहानी नहीं है। आज फिल्में टेक्निकली इम्प्रूव हो गई हैं, मगर अच्छी स्क्रिप्ट की कमी है। सलीम खान ने अपने जोड़ीदार जावेद अख्तर के साथ मिलकर साल 1973 में फिल्म जंजीर लिखी थी। इसी फिल्म में काम करके अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि मिली और वे सुपरस्टार बन गए। इसके अलावा दोनों ने शोले, दीवार, डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर और मजबूर जैसी फिल्मों में काम किया जो कि सुपरहिट रही। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो मौजूदा समय में अमिताभ बच्चन के पास कई सारी फिल्में हैं। वे ब्रह्मास्त्र, झुंड और बटरफ्लाई जैसी फिल्मों का हिस्सा है।